हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नगमा की रसोई में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो देखिए आज मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है। आज मैंने यहाँ पे मटन भुना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ, में ज़्यादा देर नहीं करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे मैंने 600 ग्राम के लगभग में मटन ले लिया है, तो इसे अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए हाफ कप दही यानी 60 ml के करीब मैंने यहाँ पे दही का यूज़ किया है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ज़ीरा पाउडर यहाँ पे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालो या ना डालो, टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और जो मैंने दही और मसाले डाले थे ना, उसको धो करके मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है, तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देंगे, उसके बाद हम बनाने को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल भी डाल लिया है, तो अब आइए इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं। तो कुछ यूँ है, 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून शाहजीरा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप यहाँ पे भर के प्याज का इस्तेमाल किया है, और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। उसके बाद हम अपने मटन के पीसेस को ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई कि ऑयल मैंने कितना यूज़ किया है। तो यहाँ पे 6 से 7 टेबल स्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है, जो कि मेरा एक दिन पुराना ऑयल था जिसमें मैंने प्याज़ों को फ्राई किया था, आपने देखा भी होगा। तो पुराने ऑयल को यूज़ कर लिया कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाता है उससे, और उसे छोड़िएगा मत। तो देखिए हमारा मटन का पीस सारा ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं जार को धो करके अच्छे से इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी। उसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हम आने देंगे कुछ विसल, 1 से 2 विसल लगाएंगे। उसके बाद 12 मिनट से मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कुकर के अकॉर्डिंग आप इसे पकाइएगा। और हाँ, बिल्कुल ही नेचुरली तरीके से अपने कुकर की सीटी को रिलीज़ होने दीजिएगा, ताकि जो भी कसर होंगे ना, वो उस दम में ही पक जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा मटन बिल्कुल ही गल चुका है, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं एक नाइफ़ की मदद से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से गल चुका है, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी से ही दिल कर रहा है, एक उठाओ और खा लो, एक उठाओ और खा लो। तो मैं मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3 से 4 पीसेस हम मैंने हरी मिर्ची के ऐड किए। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में हमारा मटन भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इसे भूनने में 8 से 9 मिनट का टाइम आपको ज़रूर लगेगा। तो इसी पॉइंट पे बिल्कुल हमारा मटन तैयार है, तो चलिए करते हैं सर्व। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हमारा मटन मसाला बन करके तैयार है। रोटी चावल हो या फिर पराठे, सभी में ये लाजवाब लगने वाली है आपको। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, मेरी वीडियोस, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा दोस्तों। तो देखिए बहुत ही डिलीशियस है, आप खाइएगा तो फिर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर लौटूंगी एक मज़ेदार और फन सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।